हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मगर आज मेरी हालत अच्छी नहीं है। आप लोगों की कैसी है कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ पर देखिए मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ है और आँखें मेरी पूरी सूज गई है। सुबह नहा कर पूजा किए और कपड़ा उपड़ा धोएँ, बाहर का जो मेरा काम था सब कर जा रहे थे खाना बनाने, तब मुझे बिल्कुल एकदम ताकने का मन नहीं कर रहा था। उतने मेरी आँखें पूरी सूज गई और खाना वाना नहीं बनाए। अब पूरा खाना सब निधि बनाई। देखिए निधि के स्कूल में के सब बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर तुरंत मैं ये आए बोले तैयार हो जाओ, तैयार हो गए चलो तुमको दवा दिलवा दें। और गए डॉक्टर के पास दवा दें लें और तुरंत देखते ही पूछे क्या हुआ है, तो बस यही बोले कि ये खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है खुद, तो कह रहे हैं कि एलर्जी हो गया है और इन्फेक्शन हो गया है। और दवा लेकर क्योंकि बिल्कुल एकदम ताकने का नहीं मन कर रहा था, 2-3 घंटे सोए थे, ये 11 बज रहा है तब लेकर गए हैं मुझे मार्केट दवा दिलवाने के लिए डॉक्टर के पास। असीख गए और आए उतनी मेरी बस ताकने से आँख लाल हो गई थी। डॉक्टर साहब बोले कि जाओ और आराम करना, ज़्यादा ताकना उकना देखना मत, सोए रहना। और घर आकर तुरंत हम दवा खाएं, खाकर फिर से सो गए सारा। और अपने ऊपर मेरी बेटी जिम्मेवारी ले ली क्योंकि सुबह खाना बनाई और उसने खाना वाना बनाने में स्कूल भी नहीं गई, दाल चावल रोटी सब्जी बनाई। यहाँ पर देखिए हम दवा लेकर आ गए हैं, जा रहे हैं खाने खाकर दवा आँख में डालेंगे उसके बाद सो जाएंगे। क्योंकि इतनी कम उम्र में मेरी बेटी अपनी ऊपर जिम्मेवारी ले ली और मेरा सारा एकदम ये सोच रहे आज वो नहीं होती तो मैं कैसे कैसे खाना पकाती। और तुरंत हम सोए रह गए और खाना बनाकर मुझे लाकर दे भी दी कि मम्मी लीजिए आप खा लीजिए खाना। तब खाकर हम गए थे दवा लेने और खाना वाना बनाकर बर्तन धोकर झाड़ू लगाई निधि। और उसके बाद दूध था, दूध का खोआ जलाकर तुरंत गुलाब जामुन बनाई। वो तो वीडियो शूट नहीं करी, नहीं तो आपको दिखाते जरूर मैं। और ये दूसरे दिन का क्लिप है और देखिए मौसम इस समय अच्छा था, एकदम बादल घेर लिए हैं। ये चना वना सब ये तिरपाल और ये सब कपड़ा उपड़ा फैलाए हैं और उसके बाद मुझे समेटना है। और ये सब चलते हैं फिर से रखते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से बारिश आने वाली है। और इधर कपड़ा धोए हैं, धोकर कल का भी कपड़ा भीग गया था बारिश। और ये देखिए उसके बाद आंधी तूफान बारिश कितना तेज़ी से हुआ है और लग रहा है कि इस बार अनाज घर नहीं आएगा, वही उम्मीद है। और 2 दिन या 1 दिन खाम धूप कर रहे हैं उसके बाद फिर से बारिश। आज हमारे यहाँ 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। देखिए कितने दिन तक बारिश होगी अभी तो मालूम नहीं है। सो फ्रेंड्स शाम हो गई है और देखिए कल मेरा पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। कल भी थोड़ा मोड़ा जब जा रहे थे दवाई के लिए तब तो वीडियो शूट करेंगे, वो अभी नहीं है तब मैं शूट कर रहे बोल रहे थे कि मोबाइल एकदम मत देखना। मोबाइल देखने से नहीं हुआ, सिर्फ पता नहीं एलर्जी हो गया। और यहाँ पर पपीता ला दिए थे जब नवरात्र चल रहा था तभी का ला दिए थे। तो जा रहे थे हम बनाने पपीता का पराठा, मगर एक पपीता पका हुआ था, एक थोड़ा वो भी पक गया था मगर थोड़ा सा कच्चा था, तो उसका सब्जी बना रहे हैं। देखिए पीछे कितनी तेज़ी से हवा चल रहा है। अब पपीता का सब्जी काट कर और आपको आज रेसिपी बताएंगे पपीता की। बहुत चटपटी और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है, इसे खाने में बहुत हेल्दी रहता है और अच्छा भी रहता है खाना। इसका प्रोटीन भरपूर मिलता है पपीते में। पपीता का सब्जी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनको थोड़ा सा नुकसान करता है। यहाँ पर काट लें सब्जी, 2 प्याज लहसुन टमाटर और ये मिर्च है। यहाँ की धनिया की पत्ती मंगाए थे मार्केट से वही पराठा में डालने के लिए, मगर सब पराठा बनानी नहीं है तो ये पालक लाए हैं, मूली और सुबह पालक की दाल बनाएंगे। ये उसका बीज रख दिए, चलते हैं मिट्टी में फेंक देंगे, देखते हैं निकल जाता है। ये कूड़ा कचड़ा है जो बाहर फेंक देंगे।
सो फ्रेंड्स, इधर देखिए सब्जी उब्जी धोकर, अभी धोए नहीं थे, ला कर रख दिए हैं और जा रहे हैं बनाने। और कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। सबसे पहले जीरा डालेंगे, कढ़ाई मेरी गर्म हो जाएगी तो जीरा डालेंगे। उसके बाद ये साबुत कली वाला डाल देंगे, लहसुन, क्योंकि इसको खल्लर में नफखान भी सकते हैं, मगर मुझे इसी तरह खड़ा खड़ा अच्छा लगता है सब्जी में। और प्याज मिर्च डालकर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हल्का 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद तुरंत टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हल्का ही भूनेंगे, क्योंकि सब्जी इसमें डालेंगे जो पपीता है तो उसी में भून जाएगा। 2 पपीता में आलू भी ले लिए हैं, क्योंकि हम सब्जी मुझे कम लग रही थी तो आलू डाल दिए। आपको नहीं डालना है तो मत डालिए आलू। उसके बाद ढककर पकाए हैं और फिर इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर नमक डालकर फिर ढके हैं, पकाए हैं, और उसके बाद 10 मिनट बाद देखिए नमक डालकर अब चलाकर फिर उसे ढक देंगे। आप लोग भी इसी तरह एक बार पपीता की सब्जी जरूर बनाइए। यहाँ पर मसाला ले लिए हैं, गरम मसाला है, धनिया पाउडर और हल्दी। इसे घोल कर आज सब्जी में डालेंगे, क्योंकि घोल कर मसाला डालने से अच्छा रहता है, थोड़ा सा टेस्ट भी अलग आता है। आप इस पर खड़ा भी मसाला भून कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मसाला डालकर इसे भी फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर मसाला भूनने से सब्जी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और हाई पावर कर देंगे तो मसाला जल्दी वे इसमें का पानी जल जाता है, वही सब्जी टेस्टी नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए मसाला भूनकर मेरा तैयार हो गया है। अपने स्वाद के अनुसार पानी डाल लीजिए, जैसा आपको ग्रेवी पसंद है कम ज़्यादा। इसे फिर टोक कर पकाएंगे। और इसके बाद ये धनिया की पत्ती ले लिए हैं, और देखिए यहाँ पर सब्जी बनकर नीचे उतार कर धनिया की पत्ती डालकर रख दिए हैं और एक बाउल में निकाल दिए। मेरी पपीता की सब्जी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग को पसंद है तो आ जाइए खाने के लिए चटपटी तीखी पपीता की सब्जी। इसे पूड़ी, पराठा, रोटी आपको जिस चीज़ से पसंद है खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं खाना खाकर आ गए नीचे। अब समय हो गया मेरा दवाई पीने का, क्योंकि दवाई लेकर बैठे हैं। अभी आँखें मेरी सही नहीं है, सूजन तो ख़त्म हो गया है, मगर पता नहीं क्यों यहीं पर दर्द हो रहा है और एलर्जी एक इन्फेक्शन हो गया है। चलते हैं दवा खाकर, थोड़ा सा आराम करेंगे। अब वीडियो मेरा 2 दिन से नहीं आ रहा है, क्योंकि एडिट नहीं कर पा रहे हैं। बना कर रखे हैं मगर एडिट कर नहीं पा रहे हैं, और एडिट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो फिर से आँखें मेरी उससे कि क्यों ख़राब मत हो जाए, उसीलिए कल देखते हैं वीडियो अपलोड करेंगे। ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाए। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।